दोस्तों, एक सवाल हम इंसानों के मन में काफी लंबे अरसे से बना हुआ है कि पृथ्वी पर जीवन कहां से आया। इसके लिए हमारे धर्मों में, हमारी किताबों में और साइंस फिक्शन कहानियों में अलग अलग थ्योरीज दी गई हैं। इन्हीं में से एक हाइपोथेसिस है पैनस्पर्मिया। ये पैनस्पर्मिया थ्योरी हमको यह कहती है कि हमारी पृथ्वी पर जीवन पृथ्वी से नहीं बल्कि यूनिवर्स में कहीं और से आया। लाइफ स्पेस में ट्रेवल कर हमारी पृथ्वी तक पहुंची। हमारी पृथ्वी पर लाइफ के सीड्स कहीं और से आए। एक आर्ग्यूमेंट जो इस पैनस्पर्मिया थ्योरी को सपोर्ट करता है कि आज से करीब 4 से 3.8 बिलियन साल पहले जब पृथ्वी पर हैवी बम्बार्डमेंट पीरियड चल रहा था, यानी कि जब हमारी पृथ्वी पर अंतरिक्ष से काफ़ी सारे एस्ट्रॉइड गिर रहे थे, इस हैवी बम्बार्डमेंट पीरियड के बाद ही हमारी अर्थ पर लाइफ ओरिजिनेट की। इस बात ने पैनस्पर्मिया थ्योरी को सपोर्ट किया क्योंकि असल में पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत बम्बार्डमेंट पीरियड के बाद ही हुई। इसका मतलब हो सकता है कि जो एस्ट्रॉइड अंतरिक्ष से हमारी पृथ्वी पर आए, वह अपने संग माइक्रो स्केल पर लाइफ को लेकर आए हों। यानी कि हो सकता है कि यह एस्ट्रॉइड अपने संग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लेकर आए हों। हमारा ऐसा मानना है कि यूनिवर्स में किसी भी जगह पर जीवन को पनपने के लिए वहाँ पर कुछ जीवन के पनपने लायक वातावरण होना चाहिए। हमारा ऐसा भी मानना है कि पृथ्वी के बाहर जीवन के होने की चांसेस काफ़ी कम है क्योंकि वहाँ पर ऐसा एनवायरनमेंट नहीं है। यानी कि पृथ्वी के बाहर लाइफ को इमेजिन करना काफ़ी कठिन है, लेकिन हमारी पृथ्वी पर भी लाइफ ने अपने आप को ऐसे रेगुलेट किया है कि वह कठिन से कठिन कंडीशन में आराम से सर्वाइव कर जाए। उदाहरण के लिए, हमारी पृथ्वी पर कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कि 113 डिग्री टेम्परेचर पर ग्रो करते हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कि -120 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में भी जिंदा रह सकते हैं। यही नहीं, ये बैक्टीरिया यूवी रेडिएशन, एक्सट्रीम प्रेशर, इन सब कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकते हैं। इन ऑब्जर्वेशन को देखकर यह बताना काफ़ी कठिन हो जाता है कि जीवन केवल पृथ्वी पर ही मौजूद हो सकता है। पानी यानी कि वाटर लाइफ की एग्जिस्टेंस के लिए काफ़ी ज़रूरी है, लेकिन हमारे यूनिवर्स में काफ़ी सारी जगह पर पानी मौजूद है। हमारा ऐसा मानना है कि पास्ट में मार्स पर भी वाटर मौजूद था और हो सकता है कि पहले मार्स पर भी जीवन मौजूद हो और किसी एस्ट्रॉइड टक्कर के बाद यह मार्स की लाइफ हमारी पृथ्वी पर आई हो। ऐसा बिल्कुल हो सकता है। आप सबको पता है कि सारे लिविंग बीइंग ऑर्गेनिक मटेरियल से बने हुए हैं, जिसमें कार्बन एक बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। और रिसर्च के बाद हमको यह पता चला कि कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड हमको मीटियोर्स में भी मिले, जिसमें अमीनो एसिड भी शामिल थे, जो कि प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक हैं, जो कि लाइफ के लिए काफ़ी ज़रूरी है। इसका मतलब मीटियोर से हमारी पृथ्वी पर लाइफ आ सकती है। भले ही स्पेस में ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, लेकिन हम ऑर्गेनिक मटेरियल को लाइफ नहीं कह सकते। चलिए, इस बात का पता करने के लिए कि क्या स्पेस में लाइफ सर्वाइव कर सकती है, इसके लिए हम स्पेस में बैक्टीरियाज को भेजें। इस सवाल के जवाब के लिए जर्मन एरोस्पेस सेंटर के साइंटिस्ट ने बैक्टीरियल स्पोर को क्ले, रेड सैंडस्टोन, इनमें मिक्स करके बैक्टीरियल स्पोर को स्पेस में भेजा, यह देखने के लिए कि क्या ये स्पेस में सर्वाइव कर सकते हैं। दरअसल बैक्टीरियल स्पोर बैक्टीरिया के द्वारा बनाई गई प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, जो कि उन्हें एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन से बचाती है। तो जब उन्होंने इन बैक्टीरिया को स्पेस में भेजा, तो उन्होंने इनको सैटेलाइट के बाहर रखा और करीब 2 हफ्ते तक रखने के बाद यह पता चला कि जो बैक्टीरियल स्पोर रेड सैंडस्टोन में मिक्स थे, वह 2 हफ्ते के बाद भी सर्वाइव कर रहे थे। और कुछ रिसर्च से हमको यह पता चला कि कुछ बैक्टीरिया 6 साल से भी ज़्यादा लंबे समय तक स्पेस में रह सकते हैं, अगर वह हमारी सन की हार्मफुल यूवी रेडिएशन से बचे रहे तो। तो हो सकता है ऐसे ही कुछ बैक्टीरिया एस्ट्रॉइड में सर्वाइव करके हमारी पृथ्वी तक पहुँचे हों और फिर इसके बाद से हमारी पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई हो। तो ये सब किसका कहना है? पैनस्पर्मिया थ्योरी का। तो फ्रेंड्स, ये सब था पैनस्पर्मिया थ्योरी के बारे में। आई होप आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो पाए।